डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता करियर इंस्टीट्यूट। आज हम आप लोगों के लिए वर्ड जोग्राफी से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चनों को लेकर के आए हैं, जिनमें पहला क्वेश्चन है आपका, काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल की साथ संबंधित है। राइट आंसर होगा आपका काली मिट्टी जो है मुख्यतः किस फसल के लिए, कपास के लिए। किस फसल के लिए बेहतर होगा, कपास। और कपास आपको मालूम है सिंधु सभ्यता की देन है। किस सभ्यता की देन है, सिंधु सभ्यता की देन है। और ब्रिटिशर्स इसको ले जाकर के पका पकाया माल हम ही को बेचते थे, महंगे दामों में हम ही को बेचते थे। अगला अगर लिख करके पूछे कि काली मिट्टी का निर्माण कहाँ से होता, तो आप लोगों ने सुना होगा लावा के अपक्षय पर्दन परिणाम स्वरूप किस मिट्टी का निर्माण, काली मिट्टी। इस काली मिट्टी को स्थानीय लैंग्वेज में रेगुर या रेगड़ कहते हैं, रेगुर या रेगड़ के नाम से जानते हैं। अर्थात यह किस फसल के लिए बेहतर होती है, कपास। और सर्वाधिक कपास प्रोडक्शन करने वाला राज्य अगर आपकी बात करें तो आपको मालूम क्या हो जाएगा, गुजरात। क्या होगा, गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र, भूकंप की तीव्रता अर्थात अर्थक्वेक की तीव्रता मापने का यंत्र जो होगा, राइट आंसर क्या होगा, सीस्मोग्राफ। अगला अगर आपसे पूछे कि भूकंप का अध्ययन किसमें करेंगे, सीस्मोलॉजी। किसके अंतर्गत करेंगे, सीस्मोलॉजी। नेक्स्ट इसी में अगला अगर पूछेगा कि भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना क्या हो जाएगा, राइट आंसर रिएक्टर पैमाना। क्या हो जाएगा, रिएक्टर पैमाना। बट अगर लिख करके पूछे कि सर्वप्रथम जहां भूकंप की तीव्रता का अंकन किया जाता है उसे कहते हैं ईपी सेंटर। क्या कहेंगे उसे, ईपी सेंटर अर्थात अधिकेंद्र। क्या कहते हैं, अधिकेंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। ऑप्शन से न्यू गिनी, नेक्स्ट है मेडागास्कर, नेक्स्ट है ग्रीनलैंड और नेक्स्ट है आपका आइसलैंड। राइट आंसर क्या होगा, ग्रीनलैंड। जब भी आप मैप वगैरह में देखेंगे तो सबसे कर्व जो है सर्वाधिक एरिया जो रिलेट करके रखा आपको मालूम कौन सा हो जाएगा, ग्रीनलैंड। जो ग्रीनलैंड आपको मालूम किसके अधीन है, डेनमार्क। किसके, डेनमार्क। राइट आंसर क्या होगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड। यदि लेकिन विश्व का अगर सबसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो आपको मालूम राइट आंसर क्या होगा आपका, माजुली द्वीप। माजुली द्वीप कहाँ स्थित है, भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा निम्नलिखित में से किस देश की है। सभी को मालूम होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है आपका। ऑप्शन से है बांग्लादेश, नेक्स्ट है भूटान, नेक्स्ट है चीन और नेक्स्ट है पाकिस्तान। राइट आंसर क्या होगा, बांग्लादेश। लेकिन इसका एक कोडवर्ड है, उसको भी जानना जरूरी है। आप लोग शायद जानते होंगे कि भारत के साथ कितनी साझा कर रहे हैं, आपको मालूम कितने टोटल, सात। तो आपको मालूम होगा बचपन से एमबीए करने का सपना था, अर्थात बचपन से एमबीए। बाशी क्या हो जाएगा, बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान। अगला जो है बाशी बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान और ना से नेपाल। से और मे से कोई मतलब इस साइलेंट मोड में रहेंगे। यम फार म्यांमार, वी फार भूटान, ए फार अफगानिस्तान। कह रहा भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अगर आपको यह फार्मूला याद है तो एक सेकंड में आंसर आ जाएंगे। सबसे टॉप पर कौन है, बाहर अर्थात क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। सो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ, बांग्लादेश। न्यूनतम लास्ट में कौन मिला, अफगानिस्तान। तो न्यूनतम किसके साथ, अफगानिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कुछ रेगिस्तान दिए गए हैं और सम्मिलित करने के लिए महाद्वीप दिए गए हैं। कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित, अफ्रीका महाद्वीप। किस महाद्वीप में, अफ्रीका। अटाकामा मरुस्थल कहाँ आपका स्थित है, दक्षिण अमेरिका अर्थात साउथ अमेरिका में। नेक्स्ट है आपका थार मरुस्थल, जो कि कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, इस महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में। किस महाद्वीप में, एशिया। अगला नेक्स्ट ग्रेट विक्टोरिया, जो कि किस महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। अगर आपसे ग्रेट सिम्पसन, ग्रेट विक्टोरिया या ग्रेट बैरियर रीफ वगैरह की अगर बात करें तो राइट आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा तर्क करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम है, वह नेपाल वाले का। राइट आंसर क्या होगा, महलांगपुर, सागरमाथा, चोमलंगमा, खुम्बुस्ते। राइट आंसर क्या होगा आपका, सागरमाथा। अर्थात इसी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं, सागरमाथा। वर्तमान में इसकी ऊंचाई की अगर बात की जाए तो आपको मालूम 8,850, कितना 8,850। पहले क्या था तो आपको मालूम है 8,848। ये एक युवा पर्वत की एग्जाम्पल है, किसके, युवा पर्वत के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दुनिया की छत अर्थात रूफ ऑफ द वर्ल्ड में से किसको कहते हैं या किसको कहा जाता है, माउंट एवरेस्ट, पामीर का पठार, शाइबेरिया का मैदान या हिंदुकुश पर्वत। राइट आंसर अगर आपको माइनस करने का तरीका मालूम, फटाफट माइनस कर दें, इसको भी नहीं पढ़ा आपने, इसको भी नहीं पढ़ा, इसको भी नहीं पढ़ा। राइट आंसर क्या होगा, पामीर का पठार। अर्थात लिख करके पूछेगा विश्व की छत भी किसे कहते हैं, पामीर के पठार को।
जो कि कहाँ से था आपको मॉल तिब्बत में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की चर्चा। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा अर्थात इंटरनेशनल डेट लाइन कौन सी है? विषुवत रेखा, 0° देशांतर, 90° पूर्वी देशांतर या 180° देशांतर। राइट आंसर होगा आपका 180° देशांतर, अर्थात 180° देशांतर को कौन सी रेखा कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा या इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। नेक्स्ट, इसी में 0° से अगर देशांतर की बात करेंगे तो आपको मालूम इससे हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन। क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन लाइन, अर्थात विश्व की मानक या प्रमाणिक मध्यान रेखा जो होती है 0° देशांतर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा जो 0° अक्षांश पर स्थित है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या मानक मध्यान रेखा। राइट आंसर क्या होगा? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं या 0° इक्वेटर कहते हैं, विषुवत रेखा। लेकिन नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अगर ये पूछ ले कि 0° अक्षांश की जगह देशांतर अगर पूछेगा तो राइट आंसर क्या होगा? आपकी मानक मध्यान रेखा होगी, अगर 0° देशांतर की बात करेगा, जो कि GMT ग्रीनविच मीन टाइम लाइन, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन जो कि लंदन से होकर गुजरती है। नेक्स्ट इसी में से अगर आपसे पूछेगा कि मकर रेखा कितने अंश अक्षांश पर स्थित है? 23.5 अंश साउथ। क्या जाएगा? मकर रेखा। सेम क्वेश्चन टेट 2017 में यही क्वेश्चन आया हुआ। अगला नेक्स्ट लास्ट आपका कर्क रेखा, 23.5 अंश नॉर्थ की अगर बात करेंगे तो आपका जो है मालूम है 23.5 अंश नॉर्थ अक्षांश पर कौन सी रेखा स्थित है? कर्क रेखा। और भारत के कितने राज्यों से गुजर रही? 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी के सबसे बड़ा महाद्वीप, क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप तो आपको मालूम है क्या महाद्वीप हो जाए? ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका या जो है एशिया। राइट आंसर क्या होगा? एशिया महाद्वीप, अर्थात सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप है। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा आपका? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अगर लिख करके पूछे कि इंडिया किस महाद्वीप में स्थित है तो राइट आंसर क्या होगा? एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? एशिया, जो कि टोटल जो है वर्ल्ड का 2.4% क्षेत्रफल अकेले इंडिया कवर करता। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? शोभ मंडल, आयन मंडल, क्षमता मंडल या बहिर्मंडल। एक सिंपल सा क्वेश्चन है ओजोन लेयर। आपने देखा जितने भी अंडे से लेकर आप लेबर तक कम्पिटेटिव एग्जाम्स के जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये ओजोन लेयर। ओजोन लेयर राइट आंसर क्या होगा? आपका क्षमता मंडल। किसमें? क्षमता। अंग्रेजी में लिख करके पूछ देगा स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर अर्थात इसको कहते हैं स्ट्रेटो, क्षमता मंडल क्या कहते हैं? नेक्स्ट स्ट्रेटोस्फीयर, अर्थात ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में, जो कि किसको रोक रही है? हमारी सुरक्षा कैसे कर रही है? अल्ट्रा वायलेट रेज को रोक रही है। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? चाहिए वायु की बात करें, एटमॉस्फेयर की बात करें या वायुमंडल की बात करें, सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं। राइट आंसर क्या होगा? 78.03, क्योंकि होना तो चाहिए नियर अबाउट 78, लेकिन प्लस में मिलता है कभी कभार एग्जैक्ट 78 मिल जाता। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की अगर परसेंटेज की बात करेंगे 78.03 होगा। इन्हीं में से अगर आपसे पूछ ले कि यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंट, यूरिया में अर्थात जो हम रासायनिक उर्वरकों के रूप में करते हैं उसमें जो है परसेंटेज का होगा 46.6%। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहीं से अगर रिलेट करके पूछे कि क्रस्ट या पृथ्वी की बाह्य परत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो है कौन सी गैस होगी, वहाँ कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएंगे, वहाँ नाइट्रोजन ना होकर के क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। यही ध्यान देना ताकि कन्फ्यूजन की स्थिति ना क्रिएट हो। और ऑक्सीजन का नियर अबाउट परसेंटेज जो वहाँ रहेगा कितना रहेगा? 47%। बट अगर ये पूछेगा कि वायु में ऑक्सीजन का परसेंट नियर अबाउट लगभग कितना? 21% है। कितना? 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? अगर आप लोगों ने एटमॉस्फेयर पर होगा, टोटल परतों की डिवाइडेशन की बात करेंगे कौन हो जाएगा? 5। इसमें अगर कह रहा सबसे निचली परत आपकी हो जाएगी क्षोभ मंडल, सबसे निचली परत जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ट्रोपोस्फीयर। क्या कहेंगे? ट्रोपोस्फीयर, अर्थात इसे कहते हैं क्षोभ मंडल। जितनी भी मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल। पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि किस मंडल में पाए जाएंगे? क्षोभ मंडल। इसी को हम परिवर्तन मंडल, सामान्य मंडल आदि के नामों से जानते हैं। नेक्स्ट इसी में अगर लेकर के पूछेगा दूसरा मंडल कौन सा, तो पहले क्षोभ मंडल, सेकंड क्या जाएगा? क्षमता मंडल, जिसमें आपको मालूम है ओजोन लेयर पाई जाती है। क्षमता मंडल के बाद ठीक जब बात करेंगे तो आपको मिलेगा मध्य मंडल, मेसोस्फीयर, जिसे लेकर के पूछेगा सबसे ठंडा मंडल, किस मंडल को कहते हैं? मध्य मंडल को। नेक्स्ट आपका मिलेगा इसमें आयन मंडल। क्या मिलेगा? आयन मंडल। अगर लिख करके पूछेगा कि रेडियो तरंगे किस मंडल से प्रवर्तित होती है, किस मंडल से? आयन मंडल।
यहाँ बेतार संचार प्रौद्योगिकी का संचालन किससे हो रहा है? आयनोस्फीयर से। और लास्ट आपका क्या हो जाएगा? वायुमंडल। क्या हो जाएगा? वायुमंडल। यहाँ से उपग्रह वगैरह छोड़ा जाता है। क्या छोड़ा जाता है? उपग्रह। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें इसका क्वेश्चन बने ना, श्योर बनेगा 100% क्वेश्चन बनना है। अगला, इक्विनॉक्स का तात्पर्य वह तिथि जब, अर्थात इक्विनॉक्स का संबंध किससे? दिन और रात सामान्य वध के होते हैं, और रात की अपेक्षा दिन लंबे होते हैं, या दिन की अपेक्षा रातें लंबी होती हैं, या वर्ष के सबसे छोटे दिन और सबसे छोटी रात होती है। तो दिन और रात समान होती होती है इक्विनॉक्स। यदि मान लीजिए इक्विनॉक्स को हिंदी में कहते हैं बीसीयू, क्या कहेंगे? बीसीयू। कभी कभार लेकर के पूछता है कि बीसीयू की स्थिति कब उत्पन्न होती है, इसके डेट याद होने इंपॉर्टेंट है। इक्विनॉक्स अंग्रेजी वर्डिंग यूज किया गया है, इक्विनॉक्स की स्थिति कब उत्पन्न होती? 21 मार्च और 23 सितंबर को। कब? राइट आंसर क्या होगा? 21 मार्च और 23 सितंबर। अर्थात दिन और रात जो है समान होते होंगे, क्योंकि आपको मालूम है विषुवत रेखा से जुड़ा कॉन्सेप्ट 0° 1′। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगली चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस तिथि पर दक्षिणी गोलार्ध शीतकाल आयनांध को देखा जा सकता है? निम्नलिखित में से किस तिथि पर दक्षिणी गोलार्ध शीतकाल आयनांध को देखा जा सकता है? 5 अगस्त, 10 अगस्त, नेक्स्ट है आपका 15 फरवरी, और नेक्स्ट 21 जून। दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल आयनांध को देखते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं ऑप्शंस गलत हो। चलिए हम पूरे क्वेश्चन की चर्चा कर देते हैं। इसमें अगर आपसे पूछेगा ग्रीष्म आयनांध, अगर ग्रीष्म आयनांध की बात का मतलब ये है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होगा? उत्तरी गोलार्ध में 21 जून। अर्थात उत्तरी गोलार्ध में, भारत किस गोलार्ध में? पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होगा? 21 जून। नेक्स्ट, अगर इसने कहा शीतकाल या दक्षिणी आयनांध की बात किया, तो राइट आंसर क्या होगा? 22 दिसंबर। क्या हो जाएगा? 22 दिसंबर। अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात कब होगी? 22 दिसंबर को। ये याद रखना, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, लेकिन जो मैंने 21 जून का बताया है वो वहाँ शीतकाल ना लिख करके ग्रीष्म आयनांध लिख करके पूछेगा। 21 जो है आपका क्या हो जाएगा? जून। अर्थात जिस दिन आप योग करेंगे उस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होगा, या जिस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन उस दिन हम क्या करेंगे? योग करेंगे। और योग के फाउंडर कौन है? महर्षि पतंजलि। चलिए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? अर्थात जो सूर्य में अपार ऊर्जा रिलीज हो रही किस प्रक्रिया के माध्यम से हो रही है? फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, या नेक्स्ट है तापायनी ऊर्जा। राइट आंसर क्या होगा आपका? नाभिकीय संलयन। अर्थात आपने देखा होगा दो प्रक्रियाएं होती है, एक नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन। यदि लिख करके पूछेगा कि सूर्य द्वारा ऊर्जा या सूर्य की ऊर्जा अपार ऊर्जा रिलीज होने के कारण क्या है? नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट इसी में लिख करके पूछेगा हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम किस थ्योरी पर कार्य करता है? आपको मालूम राइट आंसर क्या होगा? नाभिकीय संलयन। बट अगर इसने पूछा एटॉमिक बम की, अगर परमाणु बम की बात किया कि परमाणु बम किस थ्योरी से संबंधित है, तो परमाणु बम की बात करेंगे नाभिकीय विखंडन। और यदि नाभिकीय रिएक्टर वगैरह की बात करेगा, तो ये नाभिकीय रिएक्टर भी किस थ्योरी से रिलेटेड है? नाभिकीय विखंडन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? अर्थात नीला ग्रह, अंग्रेजी की वर्डिंग से देवनागरी लिपि में लिख करके पूछा है। पहला ऑप्शन से शनि, नेक्स्ट है पृथ्वी, नेक्स्ट है बृहस्पति, नेक्स्ट है मंगल। कमेंट करके आप जरूर इसको बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा ब्लू प्लेनेट अर्थात पृथ्वी। और क्यों कहते हैं इसको? तो आपको मालूम है जल की अधिकता कारण। क्या कारण? जल की अधिकता के कारण इसे कौन सा कहते हैं? ब्लू प्लेनेट कहा जाता। और यही मात्र एक ऐसा ग्रह जिस पर जीवन पूर्ण रूपेण संभव है। और जो नेक्स्ट अगले की चर्चा हो रही है, मंगल ग्रह की चर्चा हो रही है, उस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जा रही, झीलों वगैरह के बारे में थोड़ी सी चर्चा मिली है। अगले अगर ग्रह की बात करेंगे तो थोड़ा ध्यान में रखना मंगल। नेक्स्ट इसी में लिख करके पूछा शनि, वर्तमान में अगर देखा जाए सर्वाधिक ग्रहों की संख्या किसके पास हो गई? शनि। नियर अबाउट 82 प्लेनेट, कितने? ये सॉरी प्राकृतिक उपग्रह की अगर बात करेंगे 82। और इससे पहले आपको मालूम बृहस्पति था। इंडिविजुअल शनि के बारे में पूछेगा, आपको मालूम है ये गैसों का गोला भी कहते हैं, और शनि के एक उपग्रह का नाम है टाइटन, टाइटन भी लिख करके पूछा हुआ। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। इसी में बृहस्पति, सौर मंडल का सबसे ग्रह क्या हो जाएगा? बृहस्पति। और सबसे बड़ा उपग्रह भी बृहस्पति का, जिसका नाम है गैनीमीड। क्या नाम है? गैनीमीड। नेक्स्ट मंगल, लिख कर निम्नलिखित में से किसे मार्स ग्रह कहते हैं? किसको? मंगल को। और इसी लाल ग्रह भी कहते हैं। इसके लाल होने कारण क्या है? आपको मालूम है लाल होने कारण है आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। अगले क्वेश्चन चर्चा करते हैं। सो
सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को लगा समय 8 घंटे 20 सेकंड्स, 8 मिनट 20 सेकंड्स, 8 सेकंड्स या 20 सेकंड्स। इसमें देखिए कितना सटीक जो है ऑप्शन दिए हुए, कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकते हैं। राइट आंसर क्या होगा? 8 मिनट 20 सेकंड। कैसे सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय कहीं मिलेगा 8 मिनट 16 सेकंड्स, कहीं 8 मिनट 20 सेकंड्स, तो यहाँ दिया 8 मिनट 20 सेकंड, लगभग 500 सेकंड्स। उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम 2018 में तो लगभग 500 सेकंड, अर्थात 8 से कितना हो जाएगा 48 480 प्लस 20 की बात करें टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 500 सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या कुल कितनी है? 8, अर्थात सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? टोटल 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में उपसौर और अपसौर, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, अर्थात आपको मालूम चाहिए उपसौर की स्थिति कब उत्पन्न होती है? 23 सितंबर, 3 जनवरी, 4 जुलाई और 21 मार्च। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा था इक्विनॉक्स, 21 मार्च और 23 सितंबर मैंने जोड़ करके बताया इक्विनॉक्स की स्थिति होती है। 4 जुलाई छोड़ देते हैं इसमें, 3 जनवरी देखते हैं, 3 जनवरी क्या होगा? पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती? 3 जनवरी। और आपको मालूम है कि जनवरी माह कब आएगा? पहले आएगा। अगर ये पूछे कि अपसौर, इसी में अगर लेकर के पूछे कि अपसौर की स्थिति कब उत्पन्न होती है, अपसौर का मतलब कि सूर्य से जो है पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे निकट होगा, सबसे दूर की स्थिति कब उत्पन्न होगी? 4 जुलाई, अर्थात नज़दीक कब? 3 जनवरी, और दूर कब? 4 जुलाई, अर्थात पहले आपको मालूम, पहले कौन सा मंथ आएगा? जनवरी, और बाद में क्या जाएगा? जुलाई, ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन आपको मालूम दिया 21 मार्च, अर्थात आपको मालूम है 21 मार्च और 23 सितंबर की जो स्थिति बनती वो बिसियू की स्थिति बनती, किसकी? बिसियू, जिसे कहते हैं इक्विनॉक्स। क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स, अर्थात दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन चर्चा करते हैं। चलिए थैंक यू, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और जो इम्पॉर्टेंट जो है इन्वायरमेंट से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं या वर्ल्ड ज्योग्राफी से बचे हुए हैं, इन क्वेश्चनों को हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। और इसके अलावा आप जो है इन वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखें, पूरा वीडियो ज़रूर देखें, तभी इनका रिलेशन आप समझ पाएंगे। वीडियो पसंद आप लोग जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।